ईद को लेकर प्रशासन हुआ हाई अलर्ट, मस्जिदों व ईदगाहों के आसपास पुलिस की दिखेगी सख्ती। ईद पर्व को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले की सभी ईदगाहों व मस्जिदों की साफ सफाई के साथ सैनिटाइज भी किया गया, साथ में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की जाएगी। लॉकडाउन पार्ट 4 में शासन द्वारा मंदिरों और मस्जिदों के साथ सभी धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक पूजा पाठ व नवाज इत्यादि पर रोक है। ऐसे में सोमवार को ईद पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी हर तरह से खुद को चुस्त दुरुस्त कर रखा है। ईद की नमाज भले ही ना अदा की जाए, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर निगम के क्षेत्र में पड़ने वाली ईदगाहों की साफ सफाई करने के साथ ही सैनिटाइज करा रहा है। तो वहीं SSP आशीष तिवारी ने शहर का भ्रमण कर लॉकडाउन का जायजा लिया। SSP आशीष तिवारी ने शहर के मुस्लिमों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि लोग ईद के त्योहारों को अपने अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाएं, ईद की नमाज भी अपने घरों में ही अदा करें और रब से दुआ करें कि अपने शहर व मुल्क को इस महामारी से जल्द निजात मिले। वहीं शहर व कस्बों के मस्जिदों के पेश इमाम द्वारा भी मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का लोग पालन करें और ईद की नमाज जिस तरह लोगों ने रमज़ान की सारी इबादत व जुमे की नमाज अपने घरों में अदा की है, उसी तरह ईद की भी नमाज अपने घरों में ही अदा करें। गौरतलब है कि ईद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर की तमाम ईदगाहों व मस्जिदों के आसपास एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और उन्हें ज़रूरी हिदायत भी दी गई है। कुल मिलाकर ईद को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन सतर्क है। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट।